बांदा में आज सपाइयों ने किसान विरोधी बिल को लेकर प्रदर्शन कर राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। कांग्रेसियों ने किसान विरोधी बिल की वापसी की मांग करते हुए सरकार पर निधान साधा व किसानों के हित की लड़ाई लड़ने के साथ आंदोलन की भी चेतावनी दी व सरकार की उखाड़ फेंकने को कहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज बांदा जिला मुख्यालय के कलेक्टर परिसर व शहर के विभिन्न क्षेत्रों में आज किसान विरोधी बिल को लेकर सपाइयों ने प्रदर्शन कर महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे सपाइयों को गिरफ्तार कर पुलिस लाइन पहुंचाया। सपाइयों ने कहा कि सरकार द्वारा जो बिल पास किया गया है वो किसानों के हित में नहीं है। हम समाजवादी के सभी साथी इस बिल का विरोध करते हैं। कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में किसान विरोधी बिल के विरुद्ध प्रदर्शन किया जा रहा है। सपाइयों ने कहा कि मौजूदा भाजपा सरकार बेरोजगारों, मजबूरों, व्यापारियों पर ध्यान नहीं दे रही है। इस सरकार में हर तबके के लोग परेशान हैं। जब हम जनता की हित को आवाज उठाते हैं तो सरकार हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाकर लोगों का लड़वाने का काम करती है। अब जनता जाग चुकी है, ऐसी सरकार को हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। ये प्रदर्शन हम लोग किसानों के समर्थन में, जो काला कानून भारतीय जनता पार्टी ने इसको बिल को पास किया है, इसके कानून में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आह्वान किया है कि पूरे उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के किसान के इस काले कानून की लड़ाई लड़ेगा और उसके समर्थन में काम करेगा। उसी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने आज तारीख हमको निश्चित की थी कि हमको जनपद में जिले में शांतिपूर्ण ढंग से धरना देकर ज्ञापन देना है। उसी संबंध में प्रत्यक्ष में कार्यकर्ता विधानसभा और जिले के किनारे किनारे से आया था। बूथ स्तर का कार्यकर्ता निकल कर जब आया, प्रशासन की दम खड़ गई और लोगों को गिरफ्तारी करने दिया करने लगे और हम लोगों को धंडा प्रदर्शन जाने के पहले 100 मीटर पहले गिरफ्तार कर लिया और पुलिस लाइन भेजने का काम किया। ये बहरी गूंगी सरकार ना किसानों के ना बेरोजगारों के, जब भी कोई बात की जाती है किसानों की, व्यापारियों की और मजदूरों की, बेरोजगारों की, तो ये उसी समय हिंदू मुस्लिम की बात करती है। ऐसी तानाशाही सरकार को अब किसानों ने, जवानों ने, व्यापारियों ने, सभी नौजवान साथियों ने उखाड़ कर फेंकने के लिए बिल्कुल तय किया है। इसी तरह को